नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेर सिंह और मैं आज आपके लिए ये भारतीय सेना जोधपुर 744 TPT को ASC टाइप डी के लिए जो फॉर्म है उसको भरने की प्रक्रिया बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना वीडियो पसंद आए तो। इसके बाद दोस्तों बात करूँ मैं दोस्तों फॉर्म की बात करूँ तो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, ये PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और इसके PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो इस PDF की, तो आप ये किसी भी कंप्यूटर शॉप से निकलवा सकते हैं फॉर्म। दोस्तों, आपको एक नंबर पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपका नाम डालना है, कैपिटल लेटर में आपका नाम डालना है। इसके बाद दोस्तों दो नंबर के पॉइंट की बात करूँ तो अपना फादर का नेम, दो नंबर पॉइंट की बात करूँ तो अपने फादर का नेम डालना है, तीन नंबर पॉइंट की बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी एज पर बर्थ सर्टिफिकेट अटैच फोटो कॉपी जूली, आपको इसके साथ टेंथ की मार्कशीट भी लगानी है साथ में। तो एज 1 सितंबर 2019 चार नंबर पॉइंट की बात करूँ तो दोस्तों एज एज 1 सितंबर 2019 को रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ईयर मंथ 1 सितंबर 2019 को आपकी कितनी एज होती है वो इसके अंदर डालनी है, जैसे 18 साल 5 महीने 2 दिन जो भी, आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क भी डालना है दोस्तों आपको, जैसे आपके सिर में चोट है या फिर हाथ पे बाएं दाएं कहीं भी आपका तिल का निशान है जो भी है वो डालना है। इसके बाद दोस्तों आपका एड्रेस, कॉर्पोरेंस डेंस एड्रेस जहाँ आप फिलहाल रह रहे हैं, अपने एडमिट कार्ड को जहाँ मंगवाना चाहते हैं, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट डालना है आपका, फिर स्टेट जो भी है राजस्थान, UP, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आपका पिन कोड डालना है। इसके बाद बात करूँ दोस्तों परमानेंट एड्रेस की, अगर आप एक ही जगह रह रहे हैं तो साथ साथ सेम ये एड्रेस भी यहाँ पर डाल देना सेम। इसके बाद दोस्तों बात करूँ 8 नंबर पॉइंट की तो फॉर डिस्पैच, दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन डिस्पैच और एक्नॉलेजमेंट कार्ड रिजल्ट ऑफ वेरियस टेस्ट आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देना है और मोबाइल नंबर तो है तो दो या फिर एक तो डालना ही डालना है आपको। इसके बाद बात करूँ कैटेगरी की, SC ST OBC EWS एक्स सर्विस में जो भी आप यहाँ पर डाल दें और उसकी अटैच कॉपी भी जरूर लगा दें। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर पॉइंट की बात करूँ कैटेगरी ऑफ विच आप किस कैटेगरी के आते हैं, UR जनरल, UR SC ST EWS एक्स सर्विस मैन जो भी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आप डालना चाहें। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो उनके लिए जो ड्राइवर या फायरमैन वालों के लिए उनको लगाना है। 12 नंबर पॉइंट की बात करूँ तो मस्ट हैव सर रिकॉग्नाइज सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड एंड फायर ग्रेड सेकंड F, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, शुड बी प्रोशेंट इन ट्रेड वर्क और मस्ट प्रोसेस ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग वालों के लिए। डोमिशियल आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी इसके साथ लगाना है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, किसी भी स्टेट से हो। IDOS आपका फॉर्म कंप्लीट है दोस्तों आपको। इसके बाद 15 नंबर जस्ट आल्सो, दोस्तों आप पर कोई केस वगैरह से कोई धारा नहीं लगी हो जिससे कि आपको फॉर्म दिक्कत आए आगे। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेफ्ट थंब हैंड थंब आपको बाएं हाथ का मेल का फॉर्म मेल का आपको अंगूठा लगाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालनी है जिस डेट को आप फॉर्म डालते हैं, आपको यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद इसको आपको दोस्तों ये जो है आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर ऑफिशियल यूज़ ऑनली है। इसके बाद नॉलेजमेंट कार्ड की बात करूँ तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप किस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, फायरमैन, लेबर, ड्राइवर जो भी है। और दोस्तों आपको यहाँ फोटो लगा देनी है, ऊपर वाले पे भी फोटो लगा देनी है, एक अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। चार नंबर पॉइंट की बात करूँ तो फादर नेम, तीन नंबर पॉइंट पर डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज कितनी हो जाती है जैसे 20 ईयर जो भी है। कैटेगरी डालनी है आपको वो एड्रेस वही जो आपने पहले एड्रेस दिया है वही एड्रेस यहाँ डालना है, जैसे गाँव कुछ भी है, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, तहसील, स्टेट, पिन कोड। इसके बाद दोस्तों जो सेम प्रोसेस है उसकी यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी आपके हैं, आपका लेफ्ट थंब फॉर लेफ्ट थंब डालना है, सिग्नेचर डालने हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है, टू बी फील्ड ऑन रिपोर्टिंग ऑन इंडिविजुअल वे, ये दोस्तों इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑफिस यूज ओनली है दोस्तों। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।